डेंगू वायरस ने लाहौर में तबाही मचाने के बाद अब दूसरे शहरों को रोक कर लिया है, जिनमें जिला अटक भी शामिल है। अब तक DHQ अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। डेंगू एक जानलेवा वायरस है जिसने लाहौर में सरकारी जरा के मुताबिक 140 कीमती जानें निकल ली हैं। अवाम ने पंजाब हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, पंजाब हुकूमत की और पंजाब के वजीर आला की नायली रही है। अगर इन्होंने फरवरी 2010 से लेकर अप्रैल 2010 तक बाकायदगी से स्प्रे किया होता और इसी अमल को अगर इन्होंने दोहराया होता 2011 में, 2011 फरवरी से लेकर 2011 अप्रैल तक, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कमी आनी थी, क्योंकि 2007 में टोटल 2 केसेस सामने आए थे और ये मच्छर की अफजाइश जो है इसमें पंजाब हुकूमत ने अपना पूरा किरदार अदा किया है और इनकी अफजाइश को रोकने के लिए कोई तदाबीर नहीं की गई। टोटली ये गवर्नमेंट की फेलियर है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, और जिस तरीके से ये लोगों के घरों में गए हैं और जाके इन्होंने टोपी ड्रामा किया है, पहले उन घरों को खाली करवाया गया, उसमें 3 दिन स्प्रे करते रहे, तमाम चीज़ें चेक करते रहे और फिर जनाब चीफ मिनिस्टर साहब कैमरा लेके वहाँ पहुँच गए। ये दिखावे की सियासत हो रही है, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, मेडिसिन नहीं अवेलेबल। अस्पताल में एक चारपाई और एक ड्रिप तो इलावा बाकी तमाम चीज़ा जड़ियाँ असा पर पेमेंट करनिया पैनियाँ। उस तो बाद लेबॉरेटरी टेस्ट जड़े हैं हद तो ज़्यादा महंगे हैं और लिखा वैना है कि जी CMH टेस्ट, उस तो बाद आगाज लेबॉरेटरी और 2-3 और उन लेबॉरेटरियाँ जिन्होंने बस टेस्ट करा के लोग कम अज़ कम भी 4 टेस्ट होने हैं और उन इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकना। इस वास्ते गरीब नाल तावन किया वजे कि लेबॉरेटरी टेस्ट जड़े या गवर्नमेंट ने अंडर किए वजे उनते या हॉस्पिटल ने अंदर ही हो और जो बाकी अद्वियात उन भी जरा गरीब आदमी आ मुहैया की वजे उन अस्पताल ने अंदर। जनाब बहुत चंगे हैं वजीर आला साहब, मगर ये कि उन सिर्फ उत कुर्सी से बैठे में कह देने अगे गरीब तक जरा कोई चीज़ नहीं मिलनी है। जड़ा उन ऑर्डर देने कि यह चीज़ गरीब दिती वजे वो असान नहीं मिलनी है। लेबॉरेटरी टेस्ट असं अपने पेमेंट कर रहे हैं, कोई ऐसा वास्ते फ्री नहीं है। जी हर शे की सहूलत यहाँ मौजूद है पर मरीजों को इस्तेमाल नहीं हो रही, वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं कि हर शे की इधर मशीन भी है और लेबॉरेटरी भी है, इधर डॉक्टर भी मौजूद हैं पर वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं इधर। इसलिए गरीब जो है वो तो बाहर चला जाता है, जा घर चला जाता है, इसलिए उनके पास पैसा नहीं होता। जो अच्छे हैं जिनके पास पैसा है वो तो प्राइवेट इलाज करा लेते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो घर चले जाते हैं, जा फौत हो जाते हैं, इधर ही फौत हो जाते हैं, जा वो तड़ो तड़ के मारी जाते हैं। वो मरने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है, मौत तो जिंदगी अलग का अख्तियार है, फिर भी कुछ तो डॉक्टर एहसास करना चाहिए डॉक्टरों को यार इनका इलाज सही करें। इधर चीज़ें सारी मौजूद हैं लेबॉरेटरी और एक इधर मरीज था रात में, उसको इतनी तकलीफ हुई है कि कोई अंदाज़ा ही नहीं है। उन्होंने इधर एमरजेंसी में ले कर गए उधर, फिर उसको रात में बहुत तकलीफ थी, अभी भी उसको तकलीफ है, फिर वो प्राइवेट अभी कराने के लिए गए, वो क्या टेस्ट कराने के लिए गए, उन्हें मैं उन्हें मशवरा दिया है कि जाओ वो अतौला डॉक्टर है उसके पास टेस्ट कराओ तो अच्छी है, नहीं तो फिर किसी से करा कर आएंगे तो फिर वजूद कर देंगे कि इसका टेस्ट नहीं ठीक है, अतौला से करा कराओ। हमारे भाई इधर बीमार हैं, वो बता रहे थे कि कुछ नई लड़कियाँ हैं नर्सिंग, हो वो थोड़ा सा ट्रेनिंग स्कूल सब बना हुआ है, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक एक ये जो कनूला किस्म का होता है ये 3-3, 4-4 दफ़ा लगाते हैं, इनको ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये हम वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो इंतज़ामिया है इनको ये सख्ती से हदायत की जाए कि जो ट्रेन नर्सिंग है पहले ही ऑलरेडी ये जो मरीज़ हैं ये तड़प रहे हैं मर रहे हैं, इनको मज़ीद इम्तहाना लिया जाए, जो ट्रेन नर्सिंग है उन्हें इनकी जिम्मेदारी पर लगाया जाए, क्योंकि जब एक दफ़ा कोई कनूला लगाया जाता है 3-3 दफ़ा लगाया जाता है मरीज़ को ज़्यादा तकलीफ होती है। जो दवाइयाँ देते हैं यहाँ की गोली दे देते हैं, सिर्फ यहाँ पर होता है ना यहीं का बना होता है, कहीं का घटिया किस्म का सिरप होता है का, जो आराम ही नहीं आता पी पी के, फिर बाहर प्राइवेट से पी लेते हैं दवाइयाँ तो उससे आराम आ जाता है, यहाँ से दवाइयाँ कोई नहीं मिलती सही। जिला टक में हंगामी बुनियादों पर हर गली मोहल्ले पार्कों पर डेंगू मास्क स्प्रे कराए गए ताकि डेंगू वायरस की मजीद नशोनुमा को रोका जा सके। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए इनाम काजमी अटक।